शहर में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है। शहर में सजे धजे गणपति पांडालों में सुबह शाम आरती का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शहर के विभिन्न गणपति पांडालों में मंगलवार रात छप्पन भोग, महाआरती, गरबा, नृत्य, भजन संध्या सहित कई सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 11 दिवसीय गणपति महोत्सव का समापन होगा। शहर में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है। शहर में सजे धजे गणपति पांडालों में सुबह शाम आरती का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शहर के विभिन्न गणपति पांडालों में मंगलवार रात छप्पन भोग, महाआरती, गरबा नृत्य, भजन संध्या सहित कई सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गणेश महोत्सव के दौरान गणपति पांडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 11 दिवसीय गणपति महोत्सव का गुरुवार को धूमधाम के साथ गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ समापन किया जाएगा। इससे पहले थार नगरी में गणेश महोत्सव का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार रात कसाईयों का वास सरदार पटेल मार्ग स्थित गणपति पांडाल में छप्पन भोग का आयोजन किया गया। गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धालुओं की ओर से छप्पन भोग सजाया गया। इसके बाद आरती का आयोजन किया गया। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तत्पश्चात गणेश जी को छप्पन भोग का प्रसाद चढ़ा श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। इसी तरह बावड़ी चौक स्थित गणपति पांडाल में कृष्ण कन्हैया सेवा समिति की ओर से मंगलवार रात छप्पन भोग का आयोजन किया गया। भगवान गणेश को छप्पन भोग का प्रसाद चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। गणेश महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा नजर आ रही है। मंगलवार रात शहर के सरदारपुरा मार्ग स्थित गणपति पांडाल में 108 दीपकों की महाआरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस महाआरती में भाग लेकर गणेश जी की पूजा अर्चना की। इसी तरह जोशियों का निचला वास स्थित गणपति पांडाल में रामायण के अखंड पाठ का आयोजन किया गया। यह अखंड पाठ अनवरत 26 घंटे चला। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। सोचिया ब्रजवे दरी नाथ जगर मुदय दयालीना।